नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं PTT 2021 BA BEd BSc BEd की जो द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। इससे जो अपडेट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे संबंधित जो अपडेट है वो ये है कि जिन विद्यार्थियों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या जिन्होंने कॉलेज चेंज के लिए आवेदन किया था और कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। तो दोस्तों, कौन सी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, पूरी जानकारी आपको आगे किस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, BA BEd BSc BEd 4 वर्षीय कोर्स के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। आवश्यक सूचना, ये नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। BA BEd BSc BEd प्रवेश पूर्व परीक्षा 2021 के माध्यम से BA BEd BSc BEd 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग जो कार्यक्रम है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला नोटिफिकेशन है जो 25 तारीख लास्ट डेट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस किस के लिए दी गई है। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन, जिनके नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार में फॉर्म में मिस्टेक है, तो वो 25 तारीख तक अपना जो संशोधन है वो फॉर्म में करवा सकते हैं। बाद में कोई संशोधन नहीं होगा, नहीं तो आपकी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान दिक्कत आ सकती है। तो आप 25 तारीख तक अपना जो भी फॉर्म के अंदर जो भी मिस्टेक है उसको ठीक करवा लें। नेक्स्ट है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करवाया है वो भी 25 तारीख तक अपना ऑनलाइन माध्यम से ₹5,000 का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट है, 26 तारीख लास्ट डेट है, ये किसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्व में जिनको महाविद्यालय आवंटित हो गया है, अर्थात जिनको कॉलेज मिल चुकी है, समस्त शुल्क भी उन्होंने जमा करा दिया है और डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है वो भी वो करवा चुके हैं, और इच्छित महाविद्यालय अर्थात जो वो कॉलेज लेना चाहते थे वो उनको नहीं मिला है, या फिर जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, ऐसे समस्त जो विद्यार्थी हैं वर्तमान में रिक्त स्थानों की स्थिति में उपलब्ध महाविद्यालयों या सीटों पर अपवर्ड मूवमेंट या पुनः महाविद्यालय चॉइस भरकर लॉक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 26 तारीख है, 26 तारीख से पहले पहले आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई कॉलेज चॉइस नहीं किया है, या फिर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व में यदि आपको कॉलेज मिल चुका है तो मेरिट के अनुसार नया महाविद्यालय यदि आपको आवंटित हो जाता है तो जो आपको पहले कॉलेज मिला है वो आपका निरस्त हो जाएगा, नया जो कॉलेज आपको मिलेगा वही आपका मान्य रहेगा एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 26 तारीख है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट है, 28 तारीख लास्ट डेट है, जो आपको सूचना आवंटित होगी कॉलेज की तरफ से कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट, जो ₹22,000 आपको जमा कराने होंगे ऑनलाइन माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से, उसकी लास्ट डेट 30 तारीख तक है। 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप अपना जो ₹22,000 है वो जमा करा सकते हैं। लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको रिपोर्टिंग करानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने हैं, इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर यहाँ पर बताई गई है। 1 दिसंबर तक आप ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करवा लें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए ये मौका है। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपनी कॉलेज सेलेक्ट करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।